में कैदियों को सुबह शाम से लेकर रात तक हर पल हर घड़ी में अत्याचार के नए नए तरीकों से रूबरू होना पड़ता था। सेलुलर जेल में बंद सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत रोज नए नए तरीके अख्तियार किया करती थी। यहाँ पर कालापानी की सजा काट चुके एक सेनानी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं उन्हें खुले में नहाने के लिए मजबूर किया करते थे और पहनने के लिए सिर्फ एक लंगोट दिया करते थे। वो लंगोट बमुश्किल ही शरीर को ढक पाती थी। वो लिखते हैं कि किस तरह से उन्हें ऐसा महसूस होता था रोज स्नान करते वक्त कि वो कौरवों की सभा में मौजूद द्रौपदी हैं और उनका चीरहरण हो रहा है। सबसे मुश्किल काम होता था अपने साथी को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकते और दम तोड़ते देखना। लेकिन अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों का मनोबल तोड़ने का यह तरीका भी ईजाद कर रखा था। अत्याचार का सबसे क्रूर तरीका था आजादी के दीवानों को आजादी के दीवानों के सामने ही सरेआम खुले आसमान के नीचे फांसी पर लटका देना। यूं तो सेलुलर जेल में दी जाने वाली यातनाएं किसी भी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी को मौत का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत ने यहां पर फांसी की भी व्यवस्था की गई थी, वो भी खुले में। जी हां, खुले में फांसी दी जाती थी ताकि बाकी जो सेल हैं उनसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो फांसी को देख सकें और उनके मन में डर उत्पन्न हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, वो आज़ादी के लिए लड़ते रहे। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर फांसी से पहले अंतिम क्रिया जो है वो की जाती थी, यानी कि सभी धर्मों के अनुसार जिस भी शख्स को फांसी दी जा रही थी उसके पूजा पाठ रीति रिवाज जो हैं यहाँ पर स्थान पर संपन्न कराए जाते थे। इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो तिरस्कृत कोठरी जहाँ पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था जिन्हें सजाए मौत दी गई है। गवर्नर जनरल से सज़ा की पुष्टि के इंतज़ार करने तक मौत की सज़ा पाने वाले बंदियों को इन कोठरियों में रखा जाता था। और इन कोठरियों से आपको बता दूं कि क्रूरता की हद देखिए, इन कोठरियों से सीधे फांसी का फंदा जो है वो लटकता हुआ नज़र आता था। तो सोच के देखिए कि उसके मन पर क्या बीतती होगी कि मौत किसी भी पल आने वाली है। यहाँ पर आप देखिए कि ये अभी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कवर्ड हो गया है, लेकिन ये फांसी घर जो है पहले खुले में हुआ करता था, कोई भी ये शेड या कवर नहीं था। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक ही वक्त में तीन लोगों को फांसी दी जाने की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई थी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से उलट यहाँ पर प्रशासन ने किस तरह से तमाम जुल्म सितम को सहने के बावजूद भी हंसते हंसते इन फांसी के फंदों को गले से लगा लिया ताकि आप और हम खुली हवा में सांस ले सकें, आज़ाद भारत में जी सकें। अंग्रेज इस जेल में दशकों तक हजारों लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाते रहे, उनकी मौत से दूसरे कैदियों में मौत का डर भरने की कोशिश करते रहे। और इन्हीं में से एक कैदी थे वीर सावरकर, जिन्हें ठीक फांसी घर के सामने की काल कोठरी में कैद किया गया था और वो भी दो लोहे के सख्त दरवाजों के पीछे। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई गई और उन्हें 1911 में 4 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में लाया गया। हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर सेलुलर जेल में दूसरी मंजिल पर सावरकर को रखा गया था। आपको बता दूं कि दूसरी मंजिल पर ये सबसे आखिरी कोठरी है जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था। आप देखेंगे पूरी मंजिल पर जो सबसे आखिर की कोठरी है वो वीर सावरकर को दी गई थी और यहाँ पर उनको डबल आइसोलेशन में रखा गया था, यानी कि आमतौर पर हर जो कोठरी है उसमें एक दरवाज़ा आपको नज़र आएगा, लेकिन सावरकर की कोठरी में पहले ये दरवाज़ा है और उसके बाद आप जब भीतर आएंगे तो उनकी कोठरी जो है वो शुरू होती है जिसके भीतर ये दूसरा दरवाज़ा आपको देखेगा। और इसके अंदर यही वो कोठरी है जिसके अंदर वीर सावरकर जो हैं वो लगभग 10 साल तक यहाँ पर इसी कमरे के भीतर रहे थे। यहाँ पर सावरकर ने कील और कोयला जो है वो छिपा कर रखा हुआ था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख भी किया है कि कील और कोयला उन्होंने छिपा कर रखा हुआ था और जिसके सहारे उन्होंने इन्हीं दीवारों पर अपनी इस कालकोठरी की इन्हीं दीवारों पर कील और कोयले से 10,000 पंक्तियाँ न सिर्फ लिखी थी
बल्कि उनको कंठस्थ भी किया था, याद भी किया था, और जेल से छूटने के बाद उन्हीं पंक्तियों को उन्होंने किताब की शक्ल भी दी थी। साथ ही उन्होंने अपने यहाँ पर, सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उन्हें कोल्हू से तेल निकालना होता था, किस तरह की वो शारीरिक यातना रहा करती थी, और जेलर डेविड बेरी जो है कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था ताकि उनका मानसिक शोषण हो सके। और वीर सावरकर को ये कोने वाला, इस पूरे दूसरी मंजिल में सबसे आखिरी कमरा और कोने वाला कमरा देने के पीछे एक खास मकसद और भी था, वो भी आपको बता दूं कि यहाँ से जो नीचे आप इमारत देख रहे हैं, जो हट देख रहे हैं लाल रंग से ढकी हुई, ये जो है दरअसल फांसी घर होता था। अभी इसको ढक दिया गया है, लेकिन पहले ये खुला रहता था। तो सावरकर जो हैं वो यहाँ से सीधे फांसी के फंदे को देख सकें, यहाँ तीन तीन फांसी के फंदे लटके रहा करते थे, उनको देख सकें और उनको मानसिक तौर से कमज़ोर किया जा सके, ये जेलर डेविड बेरी की कोशिश थी। क्योंकि सावरकर जेल में आकर भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो जेल में आकर भी उनकी कोशिश थी कि वो साथी कैदियों में शिक्षा का अलख जगाएं और हिंदी का प्रचार प्रसार करें, जो डेविड बेरी को बिल्कुल रास नहीं आता था और वो सावरकर पर तरह तरह के जुल्म ढाता था। अब ये एक ऐसे सफ़र पे चला है जहाँ से वो वापस लौट के नहीं आएगा, तो ये तो सफ़र ही काले पानी के जाने वाली सब का जो सफ़र था, यही बहुत बड़ा अपने आप में यातना थी। और उसके बाद उनको अपने घर वालों से दूर, अपने सहपाठियों से दूर, सबसे दूर अंडमान भेजना, और अंडमान के अंदर भी एक जेल, उस जेल पे रखना। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जेल बनाने के पीछे उनका उद्देश्य यही था, मतलब ट्रिपल आइसोलेशन, तीन तरह से राजनीतिक बंदियों को, फ्रीडम फाइटर्स को तोड़ा जाए, उनकी आत्मा को क्रश किया जाए, उनकी आत्मा को तोड़ दिया जाए, उनकी हिम्मत तोड़ी जाए। उसके लिए उन्होंने उनको उनके मुख्य भूमि से दूर किया, अपने घर वालों से दूर किया, और अंडमान में जो बंदी उपनिवेश में जो दूसरे जो फ्री सेटलर्स जिनको कहते थे, सेल्फ सपोर्टर्स, जो गाँव देहातों में और बंदी उपनिवेशों में रहते थे, बंदी बस्तियों में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, और जो छोटे मोटा जो कारोबार काम करते थे, ऐसे लोगों से भी दूर किया जाए, और सेलुलर जेल के अंदर भी उन पर इतना टॉर्चर हो, इतनी उनको आइसोलेशन में और रखा जाए कि वो अपने साथ वाले कोठरी में भी कौन है उसको पता ना चल पाए। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे, लेकिन आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। आंदोलन की हवाएं बंद खिड़कियों से अंदर आने लगी तो बंद सलाखों को भी हिलाने लगी, और कुछ ऐसा ही हुआ 1935 से 37 के बीच। सेलुलर जेल में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इन अत्याचारों से आजिज आकर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मौत को गले लगाया, तो कुछ को इस कदर बेरहमी से पीटा गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। उल्हासकर दत्त तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे थे। ऐसे में लाजमी था साथी सेनानियों का गुस्से से भर जाना और उनके सब्र के बांध का जवाब दे जाना। 1935 से लेकर 1937 के बीच में कई बार जेल में अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किए गए, लेकिन असली आंदोलन हुआ 25 जुलाई 1937 को, जब जेल में मौजूद तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया, और उसके बाद यह आंदोलन लगातार चलता रहा। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को चौतरफा दबाव के चलते 28 अगस्त 1937 को इन तमाम सेनानियों की मांगों को मानना पड़ा, और फिर ये फैसला लिया गया कि सेलुलर जेल में बंद तमाम स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। जिन्होंने जेल में क्रूरता देखी, जेल में जिनकी करहा निकली, उन्हें आज भी हिंदुस्तान सलाम करता है। जिस सेलुलर जेल में आज़ादी के दीवानों ने शहादत दी, जुल्म सहे, उस जेल में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कहानी लिखी है। सेलुलर जेल में यूं तो हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानियों को सजाए काला पानी के लिए भेजा गया था, लेकिन उनमें से चुनिंदा हैं जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं, जिनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, और वो तस्वीरें यहाँ पर मौजूद एक एग्जीबिशन गैलरी में यहाँ पर लगाई हुई हैं, और उनके जीवन के बारे में और यहाँ पर जो उन्होंने आंदोलन किया, कष्ट सहे, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। महावीर सिंह जो हैं यहाँ पर आए थे सजाए काला पानी भुगतने के लिए, और उन्होंने पहली भूख हड़ताल जो क्रांतिकारियों द्वारा हुई थी उसमें हिस्सा
लिया था, लेकिन जबरन खाना खिलाया गया अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा उन्हें, और उस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो इसी तरह की जो तमाम शौर्य गाथाएँ हैं आपको इस आर्ट गैलरी में पढ़ने को मिल जाएंगी, और उन तमाम वीर सपूतों को आप देख सकेंगे जिन्होंने सजाए काला पानी काटी, और आज उन्हीं की वजह से आप और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बाबा भान सिंह की अगर बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज़ी सुपरिटेंडेंट ने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा था कि अंत में उन्होंने अपनी कोठरी में दम तोड़ दिया था। बाबा भान सिंह यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत आए थे। आप इस गैलरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको तमाम वीर सपूतों के, जिनके चित्र जो हैं वो मौजूद हैं, उनके परिवार द्वारा साझा किए गए हैं या फिर जेल के रिकॉर्ड में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर लगवाए हैं, तो ताकि हम भी उन लोगों को देख सकें, उन वीर सपूतों को देख कर उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में सुन सकें और उनको अपने श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित कर सकें। इसीलिए यहाँ पर आने वाला हर सेनानी जो है यहाँ ज़रूर आता है। ये देखिए यहाँ पंडित रामराखा के बारे में भी तमाम जानकारी दी गई है कि किस तरह से बर्मा मांडले षड्यंत्र में वो यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन यहाँ पर उनके जनेऊ पहनने के धार्मिक अधिकार को मानने से अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था, तो इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी और वो भूख हड़ताल जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जारी रखी थी। तो किस तरह का संघर्ष अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए यहाँ पर कालापानी की सज़ा के दौरान ये वीर सपूत भारत माँ के लड़ते हुए नज़र आए, इसकी वानगी आपको इस जेल में मिलेगी। इंद्रभूषण राय की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर मौत को गले लगाना पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेज़ी हुक्मरानों के लिए काम करूँ, उनकी जिल्लत सहूँ, उससे अच्छा है कि मौत को गले लगा लूँ। उन्होंने अपनी कोट का कपड़ा फाड़कर उसे फंदा बनाकर बंदी घर में खुद को मौत के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा था इस तरह की ज़िंदगी से, बदतर ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूँ। तो आप यहाँ इस पूरी गैलरी में जाएंगे तो ऐसी ही शौर्य गाथाएँ और ऐसे ही वीर सपूत जो हैं, सेनानी जो हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखेंगी। साथ ही साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी यहाँ आपको गैलरी में नज़र आएंगी, किस तरह से यहाँ पर जब तमाम ये स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें एक एक कर जत्थे में बाहर भेजा जा रहा था, वापस भेजा जा रहा था, उनकी सज़ा जो है माफ़ कर दी जा रही थी, तो उस तरह का माहौल क्या था वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपको विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, धाजी नारायण जोशी, इन सभी की तस्वीरें जो हैं वो मिल जाएंगी, और यहाँ पर उलास्कर दत्त की भी तस्वीर मिलेगी जो अत्याचार सहने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे अंग्रेज़ी हुकूमत का, और उसके बाद 14 साल तक वो मद्रास के पागलखाने में उन्हें रहना पड़ा था इलाज के लिए। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आप न सिर्फ इन वीर सपूतों को देख पाएंगे बल्कि उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में भी इस गैलरी में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप इनके बारे में और करीब से जान सकें, आपको एहसास हो सके कि इन्होंने कितनी बुरी ज़िंदगी यहाँ पर जी है, वाकई में उन्हें किस तरह की काले पानी की सज़ा हुई थी, रोज़ तिल तिल कर वो कैसे मरे हैं अंग्रेज़ों के अत्याचार और ज़िल्लत के आगे, और आपको एहसास हो चुके कि आज़ादी जो है वो कितनी कीमती है और कितने बलिदानों के बाद आई है। काला पानी की सज़ा पाए अधिकतर सेनानी सज़ा पूरी होने से पहले ही काल के गाल में समा गए। बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की काल कोठरी से बाहर आ सके, और हिंदुस्तान ने ऐसे ही लोगों से जाना था कि धरती के सपूतों ने आखिर इस जेल के भीतर कैसी कुर्बानी दी और कैसी यातना झेली। सेलुलर जेल से रिहा होने के बाद यहाँ मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आत्मकथाएं भी लिखी थी, जिन्हें सेलुलर जेल के भीतर एक प्रदर्शनी में उनके कुछ हिस्सों को लगाया गया है। यहाँ पर वीर सावरकर ने किस तरह से अपने बंदी जीवन को बयां किया है, भाई परमानंद ने किस तरह से अपनी आत्मकथा लिखी है, ठाकुर राम सिंह की आत्मकथा से भी कुछ हिस्सा जो है लेकर यहाँ पर फ्रेम करके लगाया हुआ है, ताकि यहाँ पर आए हुए सैलानी जो हैं अगर उन्हें एक एक किताब को पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है तो कम से कम उन किताब में उनकी आत्मकथा में लिखे हुए जो सबसे बेहतरीन अंश हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जेल में उनके ऊपर क्या कुछ बीता था, किस तरह की यातनाएँ उन्होंने सही थी, किस तरह का तिरस्कार उन्होंने सहा था, किस तरह के अत्याचार उन पर होते थे, उसकी जो वानगी उन्होंने अपने शब्दों में अपनी आत्मकथाओं में लिखी है जो 100% सच्चाई है, वो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए उसके छोटे छोटे अंश मिल जाएंगे, ताकि कम से कम आप रूबरू हो सकें उनके दर्द से और उनके त्याग और बलिदान से। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने भी जब उनकी आपबीती सुनी दूसरे साथियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने सजाए काला पानी की सज़ा भुगती थी, तो उन्होंने लिखा है जिस पे कि हम तैयार थे मर जाने को, यक बयक हमसे छुड़ाया उसी कशाने को।
आसमां क्या यही बाकी था सितम डाने को, लाके गुर्बत में जो रखा हमें तड़पाने को, क्या कोई और बहाना न था तरसाने को। इसके आगे वो एक पूरी लंबी कविता जो है वो उन्होंने सजाए काला पानी के बारे में जो अपने साथियों से सुना, उसके बाद जो दर्द उनके मन में उत्पन्न हुआ उसके बाद वो कविता लिखी है, वो भी यहाँ आपको मिलेगी। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें, जेल के दूसरे सामान भी यहाँ आप इस एग्जीबिशन गैलरी में सेलुलर जेल के भीतर देख सकते हैं। सेलुलर जेल के भीतर म्यूज़ियम में आपको उस वक्त किस तरह की पोशाक जो है वो यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको दी जाती थी वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये पूरी जो पोशाक है वो रखी हुई है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दी जाती थी। ये खद्दर का एक कुर्ता रहा करता था और उसके नीचे ये हाफ पजामा जो है वो इस तरह से दिया जाता था पहनने के लिए। बस यही पोशाक जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मिला करती थी और हर पॉलिटिकल प्रिजनर के गले में इस तरह की एक रिंग जो है वो लटकी हुआ करती थी। जो रिंग आप देख रहे हैं ये दो रिंग है लेकिन इस तरह की एक रिंग जो है वो उनके गले में लटकी रहा करती थी और हर रिंग पर ये जो आप देख रहे हैं एक इस तरह से लकड़ी का एक टुकड़ा होता था या लोहे का और उस पर लिखा रहता था कि वो किस मामले के तहत यहाँ पर आए हैं, कितने वक्त की उनको सज़ा जो है वो मुकर्रर हुई है, किस तारीख को वो सज़ा पूरी हो रही है, उनका नाम क्या है और उनका कैदी नंबर क्या है, वो इस पर लिखा रहता था और वो इन्हें पहने रखना होता था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो ताले भी यहाँ पर रखे हुए हैं जो सेल के बाहर रखते थे। ज़रा देखिए इतना भारी ये ताला है, कम से कम ये 2 किलो का ताला जो है ये होगा, 1 से 2 किलो का, और ये ताला जो है वो सेल के बाहर लगाया जाता था और ये उसकी चाबियां यहाँ पर रखी हुई हैं। तो उस वक्त के ताले भी मौजूद हैं, कितने बड़े बड़े तालों से जो सेल है हर सेल को बंद किया जाता था। तो देखिए कितने कड़े पहरे में यहाँ पर आने वाले हर स्वतंत्रता सेनानी हों या फिर आम कैदी वो यहाँ रहा करते थे। ये बर्तन भी रखे हुए हैं, किस तरह से लोहे के बर्तनों में उन्हें खाना दिया जाता था। ये लोहे का एक डोंगा मिलता था और एक इस तरह की एक परात नुमा ये एक दूसरी कटोरी मिलती थी और इसी में उन्हें लोहे के जंग लगे हुए बर्तन में खाना होता था। तो जब आप इस सामान को यहाँ आकर करीब से देखेंगे तो आपको उनकी व्यथा का और ज़्यादा करीब से अंदाज़ा होगा, उनको महसूस कर सकेंगे। आप उस वक्त को जिसके बारे में हम सिर्फ अभी तक किताबों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर इन सब चीज़ों को आप अपने आँखों से अपने सामने देखेंगे तो आपको सही मायनों में अनुभव होगा कि आखिर ये जो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की सज़ा थी उसे सज़ाए काला पानी क्यों कहते थे और क्यों कहा जाता था अंग्रेजी हुकूमत का वो सबसे खौफनाक और क्रूर चेहरा। अंडमान की ये जेल आज भी याद दिलाती है कि देश की आजादी कैसे एक गोल संरचना में अंग्रेजों ने कैद कर रखी थी। लाल ईंट की ये दीवारें आज भी याद दिलाती हैं कि आजादी के लिए देश के सपूतों ने कितने अत्याचार सहे। इन दरों दीवारों में कैद सिसकियों, आहों, चीखों, आंदोलनों और कुर्बानों से हिंदुस्तान ने आज़ादी की तारीख मुकर्रर कर दी, काले पानी की वापसी की तारीख तय कर दी, गुलामी की बेड़ियों के टूटने और अंग्रेज़ों की वापसी पुख्ता कर दी, जिसके दम पर आज जम्हूरियत जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा है और हर हिंदुस्तानी आज़ाद है। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा ज़माना, 57 की जंग में फिरंगी खिलाफ बुलंजब किया था सभी ने आवाज़, आज़ादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था और सज़ा कुछ निपाई समंदर के पार, समीरामीज़ में फिर होके वो सवार। समीरामीज़ उस जहाज़ का नाम था जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का पहला जत्था अंडमान पहुंचा था। तो समीरामीज़ में फिर होके वो सवार, वतन के लिए चल पड़ा था दीवाना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। अथाह समंदर पहुंचा जो जहाज़, सुनाई पड़ी होगी बच्चों की आवाज़, नवाजा था माँ बाप ने भी दुआ से, कह कुछ न पाया वो बच्चों की माँ से, रवाना हुआ बेड़ियों में बंधा था, क्या जाने मुकद्दर में उसके लिखा था। बसाने चला अंडमा का वीराना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। आबाद की वतन के परिस्तों ने चाथम, न खुशियाँ थी ना था कोई मातम, नारायण था पहला शहीद अंडमा का, निरंजन फजल हक बहादुर या भीमा, सभी ने वतन के लिए जिंदगी दी, इसी सरजमी के लिए रोशनी दी, न पानी था ना था रहने का ठिकाना,
कहां से शुरू हम करें ये फसाना। सजाए काला पानी का खौफ दिखाकर अंग्रेजी हुकूमत आजादी के तेज होते आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन आजादी के मतवालों पर तो देशभक्ति की कुछ ऐसी धुन सवार थी कि उन्होंने काला पानी की सजा को अपने शौर्य से एक बलिदान गाथा में तब्दील कर दिया था। आजादी की लड़ाई के दौरान सजाए काला पानी काट चुके गणेश सावरकर लिखते हैं, ये तीर्थ है महातीर्थों का, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। वाकई में जब आप सेलुलर जेल आएंगे तो आपको इसके कण कण में बलिदान का एहसास होगा और आपका सर भी उन शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए सम्मान में झुक जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ पिनाक त्यागी, न्यूज नेशन, सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार। इस जेल में कैदियों को सुबह शाम से लेकर रात तक